सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदत कुरैश इला मक्कत व नसियत फी ज़हमत अल अहदास अल जिसामी खुबैबन व मसरअहु आदा यऊद मन लौटना। कुरैशन कुरैश लौट आए इला मक्का, मक्का को कहाँ पर उनको कत्ल करने गए थे, खुबैब बिन अदी को कत्ल किया और फिर क्या हुआ, ये सारे देखते रहे कौन, हाँ वहाँ पर जाने के बाद तो ये देखते रहे कि हज़रत खुबैब को कत्ल कर दिया गया है। सईद बिन आमिर अलजुहनी अलजुमा ये देखते रहे और फिर उसके बाद इनके जहन में ये नक्शा घिर कर गया। बार बार ख्वाबों में इनके आते रहे हज़रत खुबैब का वो नक्शा कत्ल का, और वो गोया कि उनको कुछ सिखा रहे हैं कि भाई क्या ऐसी वजह थी कि उन्होंने अपना जान दे दी लेकिन उन्होंने नबी का साथ नहीं छोड़ा। इस चीज़ ने इनको इस्लाम की दावत दी। सो आदत कुरैश इला मक्का, कुरैश मक्का लौट आए। व नसियत फी ज़हमत अल अहदास अल जिसामी, अहदास अल जिसाम इसका मतलब है ज़हमा माने भीड़, अहदास हादसात, जिसाम ज़बरदस्त बड़े, इन बड़े ज़बरदस्त हादसात की भीड़ में वो खुबैब को क्या है और उनके कत्लगाह को, उनके कत्ल को भूल गए। नसिया निसियान मस्दर है, नाक़िस याई है। वह नसियत फ़ाइल इसका जो है कुरैश, और कुरैश फ़ी ज़हमत अल अहदास अल जिसाम बड़े बड़े हादसात की भीड़ में खुबैब और उनके कत्ल को भूल गए। समझ में आ गया। तो कुरैश मक्का को लौट आए और बड़े बड़े हादसात की भीड़ में खुबैब के जो कत्ल हुआ, हजरत खुबैब को जो मारा गया और उनके जो कत्ल गाह कह सकते हैं इसको, या उनकी शहादत और को उनको क्या है उसको सब भूल गए। अब उसके बाद यहाँ बयान करते हैं लाकिन अल फतल याफ़ सईद इब्न अल सईद इब्न अल आमिर अल जुमाहिया लम यगिब खुबैब अन खातिरी लहदतन, लेकिन जवासाल नौजवान, जवासाल याफ़ उसको बोलते हैं अल्लज़ी क़ारब अल बुलूग, किताब कहाँ है, किस साथ बैठ जाएँ, लेकिन जवासाल नौजवान, फतेह माने नौजवान, अलियाफ़े जवासाल यानी जो बुलूग के करीब हो जाता है, लेकिन जवासाल नौजवान सईद बिन आमिर अलजुमही ये कहते लम यगिब खुबैब अन खातिरी, खातिर माने दिल, लहदतन माने एक लम्हा भी, लेकिन जवासाल नौजवान सईद बिन आमिर के दिल से हज़रत खुबैब एक लम्हा के लिए भी क्या है गायब नहीं हुए, एक लम्हा के लिए भी गायब नहीं हुए। लम यगिब गाबा यगीबु गईब ज़रबा यदरीबु से अजवफ़े याई, लेकिन नौजवान जवासाल खुबैब, लेकिन जवासाल नौजवान सईद बिन आमिर के दिल से हज़रत खुबैब एक दिल के एक लम्हा के लिए भी गायब नहीं हुए। कान यराहु फी हुलमी इदा नामा, हुल माने ख्वाब, नाम माने जब वो सोते थे, तो वो उनको अपने ख्वाब में देखते थे जब वो सोते थे, वो उन्हें अपने ख्वाब में देखते, किसे, हजरत खुबैब बिन रदी अल्लाह ताला अन्हु को सईद बिन आमिर जुमही अपने ख्वाब में देखते थे जब सोते। व यराहु बेख्याली वो मुस्तैकिदुन, और बेदार होने की हालत में अपने ख्याल में देखते, बेदार हैं तो ख्याली ख्याल में जो है हजरत खुबैब के जो कत्ल का मंजर उनके निगाहों के सामने आ जाता। व यराहु बेख्याली हुआ मुस्तैकिदुन इस्तैकदा यस्तैकिदु बाब इस्तिफाल से, मुस्तैकिद बेदार हो जाना, तो अपने बेदार होने की हालत में, हालिया है वो, और बेदार होने की हालत में अपने ख्याल में देखते थे। व यमसुलु अमामहु
وَهُوَ يُسَلِّي رَكَعَتَيْهِ الْحَادِيَتَيْنِ الْمُطْمَئِنَّتَيْنِ أَمَامَ خَشَبَتِ السَّلْبِ. يَمْسُلُ مسئلہ ہوتا ہے مطلب ادا کرنا یا کھڑا ہو جانا, سامنے کھڑا ہو جانا. مسئلہ يَمْسُلُ أَمَامُ, اور وہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر, اس حال میں کہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی دو پرسکون اطمینان والی رکعتوں کو تختہ دار کے سامنے ادا کر رہے ہیں. کیسے؟ ہر حادیتین میں نے پرسکون مطمئنتین اطمینان والی, امام خشبتی سلوی, تختہ دار معنی لگائیں اس کا, تختہ دار کے سامنے, اور وہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی دو پرسکون اطمینان والی تختہ دار کے سامنے دو رکعتیں ادا کر رہی ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ وَيَسْمَعُ رَنِينَ صَوْتِهِ فِي أُذُنَيْهِ. رنین معنی ہوتا ہے درد بھری آواز, اب ان کی آواز کا درد, اور ان کی درد بھری آواز کو سنتے ہیں, فِي أُذُنَيْهِ اپنے کانوں میں درد بھری آواز. ہاں, اور ان صوت آواز جمع اصوات, اور اذن کان جمع آذان, تثنیہ ہے اضافت کی بنیاد پر, نون گر گیا, أُذُنَيْهِ, اور اپنے کانوں میں ان کی درد بھری پر درد یا پر درد, اور اپنے کانوں میں ان کی پر درد آواز سنتے ہیں. وہ یدعو علی قریش, کون سی پر درد آواز؟ کہ وہ قریش کے خلاف دعا کر رہے ہیں, یا قریش کے خلاف, قریش کو بد دعا دے رہا ہے, قریش کے خلاف دعا کر رہے ہیں. کیا ایسی؟ فیخشا ان تصعقہ سائقہ, تو یہ ڈر جاتے. کیا ہو جاتے؟ فیخشا, تو یہ ڈر جاتے کہ ان تصعقہ, کہ کہیں ان پر کوئی بجلی نہ گر جائے. سائقہ, ہاں سائق معنی بجلی, کہ کہیں, تو یہ ڈر جاتے اس بات سے کہ ان پر کوئی بجلی گر جائے. او تخر علیہ صخرۃ من السماء, خر یخر معنی گر جانا, یا ان کے اوپر آسمان سے کوئی چٹان گر جائے. صخرہ معنی چٹان, یا ان کے اوپر آسمان سے کوئی چٹان گر جائے. کہتے ہیں وہ نوجوان, یعنی اپنے خواب میں حضرت خبیب بن عدی کو اپنے خواب میں دیکھتے جب وہ سوتے تھے, اور بیدار ہونے کی حالت میں اپنے خیال میں دیکھتے تھے, اور وہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی دو پرسکون اطمینان والی رکعتیں تختہ دار کے سامنے ادا کر رہے ہیں. اور وَيَسْمَعُ رَنِينَ صَوْتِ, اور ان کے اپنے کانوں میں ان کی پر درد آواز سن رہے ہیں. وَيَدْعُو عَلَى قُرَيْش, اور وہ قریش کے خلاف دعا کر رہے ہیں. کہ فَيَخْشَا, تو یہ ڈر ہوتا ہے انہیں, تو یہ ڈر جاتے اس بات سے کہ ان کے اوپر کوئی بجلی آ جائے, یا ان کے اوپر آسمان سے کوئی چٹان گر پڑے اور ان کو ہلاک کر دے. تو یہاں پر ان کی بنیاد پر کیا ہے, یہ سب منصوب ہیں. او تخر علیہ, یہ بھی منصوب ہے, کیونکہ الا ان یا او کے بعد بھی کیا ہوتا ہے, ان مقدر ہوتا ہے. صخرۃن چٹان. ثم ان خبیبا علم سعیدا ما لم یکن یعلم من قبل, پھر حضرت خبیب بن عدی نے حضرت سعید بن عامر الجمحی کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو اس سے پہلے وہ نہیں جانتے تھے. ما علم یعلم, جو کچھ نہیں جانتے تھے سعید کو, حضرت سعید کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو اس سے پہلے وہ نہیں جانتے تھے. حالانکہ وہ چلے گئے دنیا سے, شہادت پا گئے, لیکن اپنی شہادت سے ایسا درس دے گئے کہ ان کا دل جو ہے اسلام کی طرف مائل ہو گیا. پھر حضرت خبیب نے سعید کو وہ کچھ سکھا دیا, ما لم یکن یعلم من قبل, جو اس سے پہلے وہ نہیں جانتے تھے. علمہ ان الحیاۃ الحقۃ عقیدۃ و جہاد فی سبیل العقیدۃ حتی الموت, انہیں اس بات کو سکھا دیا, انہیں یہ بھی بتا دیا کہ ان الایمان الراسخ, انہیں یہ بتایا کہ ان الحیاۃ الحقۃ, کہ سچی زندگی, یہ سچی زندگی عقیدہ ہے, و جہاد فی سبیل العقیدہ, اور موت آنے تک عقیدے کے راستے میں کیا ہے, جہاد کرنا ہے. کیا ہے؟ سچی زندگی عقیدہ ہے, و جہاد فی سبیل العقیدۃ حتی الموت, اور موت تک عقیدے کے راستے میں جہاد کرنا ہے. سبیل راستہ, جمع سبلن, تو انہوں نے انہیں یہ سکھایا
कि सच्ची ज़िंदगी अकीदा है और मौत आने तक अकीदे के रास्ते में जिहाद करना है। वो अल्लमहु ऐज़न, और उन्हें ये भी सिखा दिया कि अन्नल ईमान रासिख यफ़अलुल आजिबा वायसअनुल मुअजिदात। अजीब व गरीब चीज़ें, अजीब आजिब, और इन्हें ये भी सिखा दिया कि पुख्ता ईमान अजीब व गरीब कारनामे करता है, अजीब व गरीब चीज़ें, अजीब व गरीब काम कर देता है। वायसअनुल मुअजिदात, और आजिज कुन कारनामे पेश करता है, आजिज कुन कारनामे, यसनाउ कारीगरी करता है, कारकर्दगी पेश करता है, और वयसनाउ बनाता है, और अजीब व गरीब चीज़ें, आजिज करने वाली चीज़ें बना देता है, पेश कर देता है। और उन्हें यह भी सिखा दिया कि पुख्ता ईमान अजीब व गरीब मामलात करता है और आजिज कर देने वाले काम करता है। वअल्लमहु अमरन आखर, और उन्हें आखिरकार ये मामला भी समझा दिया, आखिरकार उन्हें ये मामला भी बता दिया कि अन हुआ अन्न रजुल अल्लज़ी, कि दुनिया में इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो या तो उसके पैसे की बुनियाद पर करता है कि उसके पैसे से मैं मालदारी से फ़ायदा उठाऊँगा, या उससे कोई ना कोई दुनियावी क्या होता है, फ़ायदा होता है। लेकिन इनका ये देखना था कि जिस इंसान से ये मोहब्बत कर रहे हैं, वो मोहब्बत जिससे की जा रही है, ना तो वो पैसे वाला है, वो सूखे से कपड़े, सादे से कपड़े पहनने वाला है, और बिल्कुल कोई उसके पास ज़्यादा ऐसा है नहीं, शाही लिबास वग़ैरह न शाही घराना है, फिर भी ऐसे इंसान से लोग मोहब्बत कर रहे हैं, तो यकीनन इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी ताकत है, अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई ताकत है, जिसकी वजह से ये सहाबा अपनी जान दे दे रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी आँच नहीं आने दे रहे। समझ आया? तो उन्हें ये आखिरकार ये समझा दिया क्या कि वो अन्न रजुल लदी, कि वो आदमी अल्लज़ी युहिब्बु असहाबुहु कुल्ल हादल हुब्बी, कि वो आदमी जिससे उसके सहाबा, उसके सहाबी इस दर्जा तक मोहब्बत करते हैं, कुल्ल हादल हुब्बी का मतलब लगा दें इस दर्जे तक मोहब्बत करना, यानी वो आदमी जिससे उसके सहाबा, उसके साथी इस दर्जे तक मोहब्बत करते हो, इन्नमा हुआ नबीयुन मुअय्यदु मिनस समा, यकीनन ये एक नबी है जिसकी आसमान से ताईद की गई है, मदद की गई है, अय्यदा युअय्यदु ताईद मुअय्यद मदद की जाना। और उन्हें आखिरकार ये भी समझा दिया कि वह अन्न रजुल लदी, कि वो आदमी जिससे उनके साहब असहाब इस दर्जा तक मोहब्बत करते हैं, इन्नमा हुआ नबी युन वायद मेरा समा, बेशक वो ऐसा नबी है जिसकी आसमान से ताईद की गई, मदद की गई है। अहब्बा युहिब्बु बाबे फाल से युहिब्बु, और इन ददालिका शरहल्लाहु सदरा सईद इब्न आमिर इस्लाम, और उस वक्त शरहा यशरहु माने खोल देना, और उस वक्त अल्लाह ताला ने सईद बिन आमिर के सीने को इस्लाम के लिए खोल दिया, उस वक्त अल्लाह ताला ने सदर माने सीना, उस वक्त अल्लाह ताला ने सईद बिन आमिर के सीने को इस्लाम की तरफ खोल दिया। फ़कामा फ़ी मलाई मिनन नास, मलाई मिनन नास का मतलब होता है लोगों के मजमा में, या बरसरे मजमा, बरसरे मजमा, फ़कामा वो बरसरे मजमा खड़े हो गए, फ़कामा फ़ी मलाई मिनन नास, तो वो लोगों के मजमे में या बरसरे मजमा खड़े हो गए। वह आलना बरातु मिन आसाम कुरैशिन व औज़ार, यहाँ आसाम इस्म की जमा गुना, और औज़ार विजरुन की जमा, ये भी गुना के माना में, और आलना युअलिनु माने ऐलान करना, बरात अपनी बेजारी का, और कुरैश की गुनाहों और गुनाह फिस्क व फजूर से अपनी बरात का ऐलान कर दिया, और गुनाह फिर क्या है, कुरैश के गुनाह और फिस्क व फजूर से बरात का ऐलान कर दिया। वखलअहु लिअस्नामिहा व औसानिहा व दुखूलहु व दुखूलि व दुखूलहु फी दीनिल्लाह, किस बात का ऐलान कर दिया, और छोड़ देने का, खला यखलऊ मन छोड़ देना, लिअस्नाम सनम की जमा बुत, और औसान ये भी वसन की जमा है बुत के माना में,
और जो है उन्होंने बुतों और बुतों को छोड़ देने और अल्लाह के दीन में दाखिल होने का ऐलान कर दिया वालना, और उन्होंने कुरैश के गुनाहों और नहुसतों और उनके बुतों को छोड़ देने और अल्लाह के दीन में दाखिल हो जाने का ऐलान कर दिया। वालना बरात मिन असम कुरैश, और कुरैश के गुनाहों से बेजारी और उनके बुतों और उनके बुत वगैरह को छोड़ देने और अल्लाह के दीन में दाखिल हो जाने का ऐलान कर दिया। समझ आ गया? हैं जो ऐलान करता था ऐलान इस्लाम के वो तो मारते थे, जो मालदार होता था तो बच जाते थे, तो ऐसे गरीब को लोग पकड़ लेते हैं। अब देखें आगे, हाजरा सईद इब्नुल आमिर इलल मदीनती वलाजिमा रसूल अल्लाह सलावातुल्लाह अलैहि व शहीद माउ खैबरा व मा बादह मिनल गज़वात। सईद बिन आमिर ने मदीने मुनव्वरा की तरफ हिजरत की। सईद बिन आमिर ने मदीने मुनव्वरा की तरफ हाजरा युहाजिरु मुहाजरत मुफालत से हिजरत करना। वलाजिमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ बिल्कुल क्या हो गए, लाजिम हो गए, यानी हुजूर के साथ वाबस्ता हो गए। व शहीदा माऊ खैबर वमा बादा मिनल गज़वात, और आपके साथ खैबर और उसके अलावा दीगर गज़वात में क्या रहे, शरीक रहे, हाजिर हुए। व शहीदा माऊ खैबर वमा बादा मिनल गज़वात, और उस हुजूर हैं वादा का ज़मीर का मर्जे जो है खैबर है, हाँ ज़मीर मुन्नस है, खैबर और खैबर के बाद दीगर गज़वात में शरीक हुए। वह शहीद माँ खैबर माँ बादा मिनल गज़वात, और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैबर और खैबर के बाद दीगर गज़वात में शरीक हुए, शिरकत की। शहीदा समिया इस्माऊ से शिरकत करना, हाजिर होना। देख रहा है जब तक नहीं आ रहा पढ़ते ولما انتقل النبي الكريم الى جوار ربي وراض عنه, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के रहमत में क्या हो गए, मुंतकिल हो गए, या यूं कह सकते हैं जवार रहमत, रब की रहमत में चले गए। वलम्मा इंतकल नबीयुल करीम इला जवार माने होता है पड़ोस में से, लेकिन यहाँ पर अपने रब के क़ुर्ब, अपने रब की रहमत में मुंतकिल हो गए। वह हुआ राज़ी नानु, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे राज़ी थे। क्या थे? राज़ी थे, ऐसा नहीं कि नाराज़ थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे राज़ी थे। ज़ल्ला मिन बादी सैफ़न मसलूलन फ़ी यदी अईदी खलीफ़तैही अबी बकरिन व उमर। सैफ़न माने तलवार, मसलूलन माने शमशीर बरहना, मसलूलन माने बिल्कुल सूती हुई तलवार, बरहना खुली हुई तलवार। अईदी खलीफ़तैही, हाँ उनके दोनों खलीफा अबू बकर और उमर के दोनों के हाथ में एक शमशीर बरहना बन कर के क्या है रहे। ज़ल्ला मिन बादी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो आपके दोनों खलीफा अबू बकर और उमर के हाथों में सैफ़म मसलूलन एक शमशीर बरहना बनकर रहे, शमशीर बरहना बनकर रहे। ज़ल्ला क्या है, मुस्तकिल इस्तिमरार बता रहता है। आयशा मसलन फरीदन फज़न लिलमुमिन लज़ी इश्तरा अल आखिरत बिद्दुनिया वासरा मर्दात अल्लाह
व सबब वाला साहिर रगबात नफ्सी व शहवात जसद। आशा उन्होंने ज़िंदगी गुजारी मसलन मिसाल बनाकर, फरीदन नमूना, फजन यकता मुनफरीद बेमिसाल। तो आपने उस मोमिन की तरह, क्या है फजन लिलमोमिन लदी, उन्होंने उस मोमिन के लिए बेमिसाल यकता मिसाल पेश करके ऐसी ज़िंदगी गुजारी अल्लज़ी इश्तरा अल-आख़िरत बिद-दुनिया। फरीदन माने यकता है रोज़गार, नमूना आपने मोमिन के लिए एक बेहतरीन नमूना या और यकता मुनफरिद बन कर के ज़िंदगी गुजारी। आशा मसलन उन्होंने यकता मिसाल और फजन और मुनफरिद, उन्होंने यकता और मुनफरिद मिसाल बनकर ज़िंदगी गुजारी लिल मोमिन लदी उस मोमिन के लिए जिसने क्या है आखिरत को ख़रीद लिया दुनिया के बदले। वासरा मर्दा तल्लाही व सवाबहु, और उन्होंने अल्लाह की रज़ा जोई को, अल्लाह की रज़ा और उसके सवाब को आसरा तरजीह दी अला सायरी अला माने पर, सायर माने तमाम, रगबात नफ्सी नफ्स की ख्वाहिशतों पर, व शहवात जसद और जिस्म की लज्जतों पर। तो नफ्स की जो है लज्जतों और जिस्म की ख्वाहिशतों पर उन्होंने अल्लाह और उसके सवाब को, अल्लाह की मर्ज़ी अल्लाह की रज़ा जोई और उसके सवाब को तरजीह दी। समझ में आ गया इंतकला बाबे फ़ाल से इनफ़ियाल से बाबे इफ़्तियाल से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने रब के जवार में रहमत में मुंतकिल हो गए जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे राज़ी थे, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके दोनों खलीफा अबू बकर और उमर दोनों के हाथ में एक शमशीर बनहा शमशीर बरहना बनकर रहे। और इन्होंने जो है यकताए रोज़गार और बेमिसाल नमूना बनकर ज़िंदगी गुजारी उस मोमिन के लिए जिसने आखरत को दुनिया के बदले ख़रीद लिया और अल्लाह की रज़ा जोई और उसके सवाब को, दुनिया के नफ्स की तमाम ख्वाहिशात लज्जतों और जिस्म की तमाम ख्वाहिशात पर तरजीह दी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।